हमने पनबड़िया पर अधीक्षण अभियंता महोदय को ज्ञापन दिया है, उनको अवगत कराया है कि बिजली बिलों में एक्सचेंज फ्ट का जो कार्यालय है उस लेवल से बहुत ज़्यादा धांधली है, प्रत्येक अधिकांश बिलों में गड़बड़ी है, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये का बिल बढ़ती आ रहा है। जब व्यक्ति बिल सही कराने कार्यालय जा रहा है वहाँ पर उसको शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। ये जाति किसी कीमत स्वीकार नहीं की जाएगी। एक्शन सफ्ट के कार्यालय के लोग हर बात पर किसी भी बात को, किसी भी प्रकार की समाज के अंदर कोई जाति हो, विभाग के किसी कर्मचारी की जाति हो, बिजली बिल में जाति के मामला हो, अगर फ़ोन मिलाया जाता है चाहे वो एक्शन महोदय हो चाहे FD हो, फ़ोन उठाने को किसी कीमत तैयार नहीं है। यह अत्यधिक शर्मनाक मामला है। इस मामले को हम जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराएंगे। इससे पहले भी जिला उद्योग बंधु की बैठक में हम जिलाधिकारी महोदय को इस मामले से अवगत करा चुके हैं कि एक्शन सफ्ट कार्यालय से संबंधित अधिकारीगण फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। अगर किसी व्यापारी की या आम जनता की कोई शिकायत है उनसे करने की कोशिश की जाए, वो फ़ोन नहीं उठाते। अब बिल उसका बढ़ती आ रहा है, लगातार बिल बढ़ती, जानबूझकर बिल बढ़ती बनाया जा रहा है। संदीप भाई, AC साहब ने व्यापारियों को क्या आश्वासन दिया है? अधीक्षण महोदय ने, SC महोदय ने आश्वासन दिया है व्यापारियों को, जिस प्रकार से बिजली विभाग में और बिजली बिलों को लेकर जाति का मामला है, इस पर आज से ही अंकुश लगेगा। जो स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं है, एक सीट पर बैठे हुए पुराने लंबे समय से जो कर्मचारी व्यापारियों का और आम जनता का शोषण कर रहे हैं, ये शोषण आज से दिखेगा, आज से इस पर रोक लगेगी और इसका असर आज से देखने को मिलेगा। अगर ये विद्युत विभाग वाले, आपने आरोप लगाया है जैसे कि मनमानी कर रहे हैं, अगर नहीं करते, अपनी मनमानियाँ जो है नहीं मानते हैं तो क्या होगा? जो जिस प्रकार चेकिंग के मामले में, चेकिंग के नाम को लेकर उत्पीड़न चल रहा है, बिजली बिलों में बेहद अधिक ज़्यादा कीमत लगाकर उत्पीड़न चल रहा है, इस तरीके की अगर जाति पर अगर लगातार रोक भी लगती है, आज से ऐसी महोदय को ज्ञापन देने के बावजूद भी इसमें बदलाव नहीं होता है, तो हम जिलाधिकारी महोदय को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देंगे और फिर इसके बाद में इनके जो चीफ इंजीनियर मर्दाबाद बैठते हैं उनको अवगत कराया जाएगा। फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो इनके MD जो मेरठ बैठते हैं उनको अवगत कराया जाएगा और कार्यवाही सख्त से सख्त कराई जाएगी। वजील अधिकारी की नहीं, क्या बोलते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं? प्रत्येक बात पर इनकी ये धमकी है, DM साहब का आदेश है, प्रत्येक जाति पर इनकी धमकी है, DM साहब का आदेश है। DM साहब के नाम का, जिला प्रशासन का नाम लेके आम जनता में इन्होंने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जो किसी कीमत स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया जाएगा। क्या शुभ नाम है एक्शन साहब का? एक्शन महोदय का नाम का नहीं पता, जो एक्शन है, एक्शन सफ्ट का नंबर, सरकारी नंबर है, वो फोन उठाने, हाँ फोन भीष्म कुमार करके हैं, वो फोन उठाने को तैयार नहीं है, FDO का फोन उठाने को तैयार नहीं है। इस मामले में जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाएगा।